अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि सऊदी गैजेट की तरफ से एक आर्टिकल प्रिंट किया गया है जिसमें एग्जिट री एंट्री वीजा एक्सटेंशन फाइनल एग्जिट और डोमेस्टिक वर्कर के बारे में कुछ न्यू अपडेट जो है वो शेयर किया गया है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा डिटेल दिखाने वाला हूँ। यहाँ आप देख सकते हो स्क्रीन शॉट जो है वो लगा हुआ है। जो लोग इंडिया जाकर फंस गए हैं वापस नहीं आ पा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो है बहुत बड़ी गुड न्यूज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो लोग भी जो है न्यू अपडेट के बारे में जान सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सऊदी जवाहरात की तरफ से री एंट्री वीजा और फाइनल एग्जिट वीजा के बारे में जो है वो कुछ न्यू अपडेट जो है वो शेयर किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आर्टिकल है जो सऊदी गैजेट की तरफ से जो है वो प्रिंट किया गया है। पूरे आर्टिकल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके जो है इस पूरे आर्टिकल को पर्सनली जो है आप पढ़ सकते हो। इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो लोग सऊदी से बाहर है, मतलब जो लोग छुट्टी पर गए और दोबारा सऊदी अरब नहीं आ पाए चाहे किसी भी वजह से जो है, तो वो लोग जो है अपना खुद से ही फाइनल एग्जिट जो है अपना अफसर के जरिया नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो अपना कबील से रिक्वेस्ट करते हैं या बात करते हैं तो उनका कबील भी जो है वो फाइनल एग्जिट नहीं लगा सकता है। तो इस आर्टिकल में इसके अलावा और भी बहुत सारी बात जो है वो बताया गया है। मैं वन बाई वन सारी बातों को जो है वो आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद जो बात बताया गया है वो ये है कि अगर आप सऊदी अरब से बाहर हो, मतलब आप अगर आप छुट्टी पर गए हो और आपको छुट्टी खत्म हो गया है तो आप 3 साल तक सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते हो। इसका मतलब अगर आपको छुट्टी खत्म हो गया है तो आप दोबारा सऊदी अरब 3 साल के लिए बैन कर दिए जाओगे, आप दोबारा सऊदी अरब 3 साल तक नहीं आ पाओगे। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस आर्टिकल में आगे गुड न्यूज दिया गया है, आपको मायूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आगे जो है डिटेल बताने वाला हूँ कि अगर आप छुट्टी पर गए हो और नहीं आ पाए हो तो दोबारा किस तरीके से सऊदी अरब आ सकते हो। इस आर्टिकल में ये बात भी बताया गया है, मैं लास्ट में जो है इस बात को बताऊंगा कि किस तरीके से आप दोबारा सऊदी अरब आ सकते हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान आपको रखना है कि अगर आप छुट्टी पर गए हो और 6 महीने से ज्यादा हो गया है आपका छुट्टी का, छुट्टी खत्म हो गया है, आपका वीजा भी खत्म हो गया है, तो आपका जो भी डिटेल्स हो वो सऊदी जवाहरात की तरफ से जो है आपका डाटा को जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा। आपका कपिल भी चाहे तो आपका छुट्टी को जो है वो आगे नहीं बढ़ा सकता है या आपका वीजा को एक्सटेंड नहीं कर सकता है। तो अब ये बात आती है कि सऊदी अरब हम कैसे वापस आए। सारे लोग जो है वो मायूस हो गए होंगे कि अब जो है हम दोबारा सऊदी अरब नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम 6 महीने से ज्यादा हो गया इंडिया में आए हुए। तो भाई मेरे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप भी सऊदी अरब आ सकते हो। आपको चाहे 1 साल हो गए हो या 2 साल हो गए हो, अगर आप छुट्टी पर गए हो और दोबारा सऊदी अरब नहीं आ पाए हो तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो इस स्क्रीन शॉट में, मतलब ये आर्टिकल है जो सऊदी गैजेट की तरफ से जो है पब्लिश किया गया है, प्रिंट किया गया है, जिसमें यह बात बताया गया है अगर आप छुट्टी पर गए हो और 6 महीने से ज्यादा हो गया है या आपका 1 ईयर से भी ज्यादा हो गया है, आप इंडिया में ही हो, आप कोरोना की वजह से जो है दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सके हो, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आज बताया गया है कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इंडिया जाकर दोबारा सऊदी अरब नहीं आ पाए हैं तो वो लोग भी सऊदी अरब आ सकते हैं। कैसे? आप अपने पुराने कपिल के जरिए जो है आप सऊदी अरब दोबारा आ सकते हो। आपका जो भी कपिल था, आप जिस भी कपिल के अंदर में काम कर रहे थे, आप अपने कपिल से जो है बात करें, वो अगर चाहे तो आपको दोबारा सऊदी अरब बुला सकता है। आप यहाँ आप देख सकते हो इस आर्टिकल में ये बात भी लिखा गया है कि अगर आपका पुराना कबील चाहे तो आपको दोबारा सऊदी अरब बुला सकता है नया वीजा देकर। ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि आप जो है अब दोबारा सऊदी अरब आ सकते हो आप अपने पुराने कबील के जरिए। अगर आपका पुराना कपिल आपको वीजा देता है तो आप उस वीजा को लेकर सऊदी अरब में दोबारा एंट्री कर सकते हो और अपने काम पर लग सकते हो। दूसरी बात, इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि अगर कोई डिपेंडेंट, मतलब इकामा का जो मेन होल्डर है, वो छुट्टी पर गया इंडिया में और वापस नहीं आ सका है, उसका छुट्टी जो है ख़त्म हो चुका है, तो ऐसे लोग जो है अपना कपिल से बात करके नया वीजा लेकर वापस सऊदी में आ सकते हैं और अपने कामों पर लग सकते हैं। या फिर वो लोग अपने डिपेंडेंट को जो सऊदी अरब में रह गए हैं उनको वापस इंडिया में बुला सकते हैं। दोस्तों, इस आर्टिकल में एक छोटी सी बात ये भी लिखी गई है जिसमें आमिर मंजरिया के बारे में बताया गया है, मतलब हाउस ड्राइवर और खदामा वगैरह जो है इन लोगों के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है। इस आर्टिकल में देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है कि जो लोग अपना कपिल के पास 15 दिनों से ज्यादा अगर वो लोग काम पर नहीं गए हैं लगातार, अगर उसका कपिल चाहे तो जवाजात में कंप्लेन उसके खिलाफ कर सकता है।
कि वो बंदा जो है वो भाग गया है या 15 दिनों से ज्यादा हो गया, वो जो है काम से मिसिंग है, काम पर नहीं आ रहा है। कंप्लेन मिलने के 15 दिनों के अंदर जो है आपका पूरा डिटेल्स जो है, पूरा डाटा जो है वो रिमूव कर दिया जाएगा और आप जो है इलीगल हो जाओगे, मतलब आप गैर कानूनी तौर से फिर सऊदी अरब में रहने लगोगे। और इस सूरत हाल में अगर आपको सूरता या पुलिस पकड़ता है तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, या पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो दोबारा आपको अपने कंट्री जो है दिए जाओगे आप। तो आप ऐसा गलती ना करें। अगर आपको घर जाना हो या आपको इंडिया जाना हो तो आप अपने कपिल से बोलकर फाइनल एग्जिट ले सकते हो, क्रूज निहाय ले सकते हो, या फिर आप तनाजुल कफाला ले सकते हो, किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले सकते हो। तो ऐसा गलती आप ना करें कि आप किसी कपिल के पास काम कर रहे हो और वहाँ से भाग जाए। अगर आप ऐसे गलती करते हो तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ आप देख सकते हो, दूसरी बात, इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि जो लोग फ्लाइट सस्पेंशन की वजह से सऊदी अरब वापस नहीं आ सके, ऐसे लोगों का वीजा और इकामा जो है वो टाइम टू टाइम सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से वो एक्सटेंड किया जा रहा है, टाइम को बढ़ाया जा रहा है। न्यू अनाउंसमेंट के मुताबिक 30 नवंबर तक जो है आपका इकामा और वीजा जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया है बगैर किसी फीस के। ये ऑटोमेटिक सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी जो है आप लोगों को पसंद आया हो। अगर जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरह का हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।